तो कैसे हो भाई लोग? आज हम बनाएंगे ओल्ड मॉडल अल्टो हॉल की लॉस्ट। देख सकते हो हमने इसका डोर का स्विच निकाला है और इसके ऊपर नंबर है 1349। देख सकते हो आप लोग, और इसकी चाबी है, पुरानी वाली चाबी आती है। ट्रांसपोंडर वाला शेल है मेरा, लेकिन पुरानी वाली भी आप लगा सकते हो। तो हम सर्च में जाएंगे, हम SN नंबर से काम करेंगे डायरेक्ट। हमारा SM नंबर है 9088। आप देख सकते हो 9088 हमारा SN नंबर है। सर्च करेंगे, आ गया अपना। देख सकते हो अपना काम होगा या नहीं, आप इस सीरीज से देख सकते हो। सीरीज 1001 से स्टार्ट होती है और 2500 तक ख़त्म होती है। इसके अंदर आपकी अल्टो की कोई भी चाबी हो वो बन सकती है, इसके आगे आपकी चाबी नहीं बन सकती। और तो आप देख सकते हो उसमें 1349 लिखा हुआ है। कार्ड पे जाएंगे, आ गए अपना बेटिंग। हम कोड पे काम करेंगे, अपना कोड है 1349। देख सकते हो अपना कोड, कंफर्म करेंगे एक और बार। शो नहीं हो रहा ठीक से, फोकस नहीं हो रहा, लेकिन देख सकते हो 1349 अपना कोड कंफर्म है। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, बेटिंग आ गई हमारे। आप देख सकते हो ये रही अपनी बेटिंग। ओके दबाएंगे, कट का ऑप्शन देंगे हम। अब ये सब बता रहा है कि हमारा क्लैंप है 01VA क्लैंप लगेगा। हम देख सकते हो हमारा कटर लगेगा 12L, इसमें 12L कटर लगेगा, और स्टॉपर 0 पे स्टॉप करना है। ठीक है, तो मैं ये वाली चाबी लगा के फिर वीडियो स्टार्ट कर। आप देख सकते हो हमारा स्टॉपर 0 पे है, हमने 0 पे स्टॉप कर दिया। एक देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमारा स्टॉपर लगा चुका है और चाबी भी लगा ली। क्लैंप साइड कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम शटर डाउन करते हैं। देख सकते हो आप लोग, शटर डाउन कर दिया हमने और कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारा। मशीन ऑन हो रही है हमारी, मशीन ऑन में हो गई है हमारी। देख सकते हो हमारी कटिंग स्टार्ट हो गई। चाबी रहना तो हमारा स्पीड 90 पे ही रहेगा, 90 के आगे हमारा स्पीड नहीं रहेगा। देख सकते हो हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। एक देख सकते हो आप लोग, अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। थोड़ा क्लीन करके हम लगाएंगे, कहीं पे रस्ट इधर उधर हो जाए तो चाबी अटक सकती है, इधर उधर ठीक से बैठ नहीं सकती। तो थोड़ा साफ करेंगे और फिर हमारा सेकंड साइड लगाएंगे हम।